तो दोस्तों स्वागत है आप सभी को हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आप अपने यूनियन बैंक अकाउंट के साथ एक नए मोबाइल नंबर को कैसे ऐड कर सकते हैं, कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके बारे में डिटेल्स में इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाले हैं, तो वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा और वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट में अगर आप अपने मोबाइल नंबर को चेंज करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके नजदीकी कोई भी एक यूनियन बैंक का जो एटीएम मशीन है उस पर चले जाना है। और एटीएम मशीन में जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एटीएम मशीन के अंदर आपका जो एटीएम कार्ड है उसको एंटर कर देना है। इसके बाद एटीएम मशीन के डिस्प्ले में लिखा हुआ आएगा, वी आर प्रोसेसिंग योर ट्रांजेक्शन, डू नॉट रिमूव योर कार्ड। तो आपको थोड़ा वेट करना है, कार्ड को रिमूव नहीं करना है। और कुछ सेकंड वेट करने के बाद यहाँ पे आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। यहाँ से आपके हिसाब से इंग्लिश या हिंदी कोई भी एक लैंग्वेज को यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं। लैंग्वेज सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने दो ऑप्शन आएगा, मेन मेनू, सेट योर पिन। तो आपको मेन मेनू के ऑप्शन में क्लिक कर देना है तो आपके सामने काफी सारे सर्विसेज देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे आपको कौन सा ऑप्शन में क्लिक करना है, तो दोस्तों सबसे नीचे यहाँ पे मोर ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। और इसके बाद आपके सामने एक नया पेज शो हो जाएगा, आपको यहाँ से अपडेट रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने मोबाइल नंबर एंटर करने का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आपको आपका जो नया मोबाइल नंबर आप ऐड करना चाहते हो उसी मोबाइल नंबर को यहाँ पे एंटर कर देना है और कंफर्म के ऑप्शन में क्लिक कर देना है। इसके बाद दोबारा मोबाइल नंबर एंटर करने का ऑप्शन आएगा, आप दोबारा मोबाइल नंबर को यहाँ पे एंटर कर देना है, इसके बाद कंफर्म के ऑप्शन में क्लिक कर देना है। इसके बाद एटीएम पिन एंटर करने का ऑप्शन आएगा, आपको आपका जो एटीएम कार्ड का पिन है वो यहाँ पे एंटर कर देना है। इसके बाद आपके रिक्वेस्ट को प्रोसेस किया जाएगा, आपको थोड़ा वेट करना है। इसके बाद आपकी एटीएम कार्ड बाहर आ जाएगा और एटीएम मशीन के स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन शो हो जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा, योर रिक्वेस्ट हैज बीन एक्सेप्टेड, योर मोबाइल नंबर विल बी अपडेटेड विद इन 2 working days फॉर योर अकाउंट। यानी आपका जो मोबाइल नंबर चेंज करने का जो रिक्वेस्ट है उसको एक्सेप्ट कर लिए गए हैं और ये 2 दिनों के अंदर आपके बैंक अकाउंट में अपडेट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट में एक नया मोबाइल नंबर को रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।